रहेगा तो मेरी हर जन्म की साथी हो, मैं इसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़वा पाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, मैं वापस आऊंगा। एक मिनट लास्ट आशिक की बारात निकल रही है, बजाओ। अर्जुन, कम माय बॉय, कॉफी बनाई है मैंने, ज्वाइन मी। I'm sorry, Dad. I really am. आपकी DGP की पोजीशन मेरी वजह से। नहीं अर्जुन, I am sorry. Dad? यार इतने सालों में पहली बार इतना कुछ भूल गया मैं। स्ट्रेस हैंडल कर लेना चाहिए था मुझे। तुम्हारी माँ की तबीयत संभालते संभालते कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है इमोशनली। पैर फिसल गया और मैंने सारी भड़ास तुम्हारे ऊपर निकाल दी। कैसी बात कर रहे हैं, गलती मेरी ही थी, मैं आपका लोड शेयर नहीं कर पाया। सॉरी रेली। मेघा कैसी है? वो आई डोंट नो। बुआ और मेघा के उस इंटरेक्शन के बाद ज्यादा बात नहीं हुई उससे तो। कम लेट्स हैव कॉफी। देखेगा ना, जो भी बाहर आएगा जाएगा। जी मैम। मेघा आप अपने घर पे हैं, इतना डर क्यों रही है? मनोज जेल गया, अब नहीं आएगा वो। अरे आप नहीं जानती उसे, वो कुछ भी कर सकता है कहीं से भी। एक सेकेंड, ये देखिए लेटर, ये फोन उसने भेजा है। ये मैं तो कहती हूँ अच्छा है, संभाल कर रखिए इन्हें, सबूत की तरह इस्तेमाल करेंगे हम इसे और डिवोर्स का केस फाइल करेंगे। उल्टा इन सब सबूतों से हमें जल्दी डिवोर्स मिलेगा। हेलो सोनम, अर्जुन बोल रहा हूँ। हेलो सर। सोनम कोई आइडिया है मेघा कहाँ है? मतलब आपको कुछ नहीं पता? नहीं नहीं मालूम मुझे, हुआ क्या है? बवाल हो गया है सर, वो वापस आ गया है ना मनोज। मेघा के घर के बाहर आके उसने इतना बड़ा बवाल कर दिया। क्या बोल रही हो तुम? मेघा ने मनोज को अरेस्ट करा दिया है ना, लेकिन सर वो तो बिल्ली की किस्मत लेके आया है ना, नौ लाइफ होती है ना। आप देखना मनोज ने ना फिर से कोई कांड करके वापस आ जाना है। एक काम करो राम, रामपुरी देता हूं 12 इंची।
सीधा गले पे उतार देना। नहीं अर्जुन, मुझे मुझे कैसे पता होगा कि तुम यहाँ हो? तुम रुको यहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ। चुके चुके बाल बाल बच गया, अंदर चला गया, आँख में थोड़ा गया। सॉरी, वो ये थानेदार ने दिया था मुझे इमरजेंसी के लिए, वो मुझे लगा कि मनोज आ गया इसलिए। वो अर्जुन, मनोज वापस आ गया। अर्जुन एक सेकंड, मैं पानी लेकर आती हूँ। अभी बेटर फील हो रहा है? बहुत बेटर फील हो रहा है। सो सॉरी अर्जुन, मुझे नहीं पता था, और हमें लग रहा था ना कि FIR करवाने के बाद उस मनोज को जॉर्जिया से हमें वापस लेकर आना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो खुद वापस आ गया। और ये नेशनल न्यूज़ है, मनोज का इंडिया में वापस आना, जो मुझे टीवी पे दिख जाएगा। क्या ये न्यूज़ में आई है? नहीं, मैं शिकायत कर रहा हूँ तुमसे, मनोज वापस आ गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अर्जुन, तुमने ठेका थोड़ी ले रखा है कि जब भी मैं परेशानी में होंगी तो तुम मुझे बचाने आ जाओगे। कोई टेंडर निकला हो तो बता देना, ठेका लेने को भी तैयार हूँ। फिर से मजाक? तुम बात ही ऐसी कर रही हो। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारी नौकरी जाने वाली थी। अपना फोन देना। क्यों? प्लीज दे दो। अरे दो ना, एक मिनट। हाँ ये रहा। पर क्या कर रहे हो अर्जुन? अब तुमसे बहस करने का तो कोई मतलब है नहीं, तो मैंने अपना नंबर तुम्हारे स्पीड डायल पे डाल दिया है, और हक से डाला है मैंने। तुम भी अगर मुझे हक से कॉल करोगी ना तो अच्छा लगेगा। इतना हक है ना हमारे बीच? पापा जी, 8 बजे का अपॉइंटमेंट है, निकल जाना है डॉक्टर ने, आप चलिए प्लीज। बुआ जी सही कह रही, 4 अपॉइंटमेंट वापस ले लेंगे। जीते ड्यूटी पे गई, रिया शादी में गई है, गोल्डी और मैं चले जाएंगे, इसके बाद फिर फजूल में मेघा ने अकेले हो जाना। वो है ना अभी भी रे, वो संभाल लेगा। क्या हुआ पापा जी, क्यों नहीं जा रहे आप? क्या हुआ? बीपी बढ़ा है ना आपका? ऐसी चीजों में देरी नहीं करते हैं। बुआ जी कुछ नहीं होना, आप इन्हें लेके जाइए। सही कह रही है, हम जल्दी जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? ना गोल्डी, मेरी कॉल सुन। कुछ नहीं होना है पापा जी, आप जाओ। अरे बेटा, तुझे अकेला छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। वही ना पापा जी, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, सब कुछ चंगा है, तुसी फिकर ना करो, रहने की हिम्मत और आदत डालनी पड़ेगी मुझे। वहाँ पहुँचकर मुझे फोन करना, बताना कि क्या बोला डॉक्टर ने, ठीक है? वीरे कृपाल देख लेगा, चल ध्यान रखियो। हाँ जी बुआ जी। देखियो तू, टेंशन मत लो तुसी।
सेकंड। कौन है दी? पता नहीं कृपाल, कोई अननोन नंबर है। उठा के देख। हेलो हेलो, अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, कौन है? हेलो दी, दी, मुझे दिखा, मुझे दिखा। हेलो, बोल भी ले भाई कुछ। हेलो